हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और अदर जो एग्ज़ाम्स आपको जो भी देने हैं SSC वगैरह जैसे, तो उसके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है तो उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो में क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का CEO कौन बना है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है बी, यानी नकुल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें करीब 250 सेवाएँ ग्राहकों को एक जगह मिल जाएंगी। तो इसका सही आंसर है डी, केनरा AI1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जैसे ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसमें आप जितना टाइम मैं देता हूँ आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए या क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो मैं बोल भी दे रहा हूँ और साथ में आप एक अपना कोई एक दिमाग में आइडिया लगा लीजिए कि कौन सा आपका आंसर, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कौन सा सही होता। तो उस हिसाब से अगर आप अपना दिमाग में आइडिया लगा लेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। अगर आपका गलत हो गया तो भी, सही हो गया तो अच्छी ही बात है, कभी नहीं भूलेगा। तो और एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। ए कटनी जिला, बी बुरहानपुर जिला, सी मंदसौर जिला या डी सतना जिला। ये जो हर घर जिला, हर घर जल वाला योजना है केंद्र सरकार का, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उससे प्रश्न आना बिल्कुल तय है। हर घर जल योजना ये 2025 तक का मोदी सरकार ने लक्ष्य बनाया हुआ है, तो इसलिए ये इससे प्रश्न आना बिल्कुल तय है। तो इसका सही आंसर है बुरहानपुर जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 154 क्वेश्चन नंबर, विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन है इंदरमीत गिल को, सौम्या स्वामीनाथन को, अनीता भाटिया को या गोपीनाथन को। तो आपका सही आंसर है ए, इंदरमीत गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो और जो ऐसी नियुक्तियां रहती हैं, तो जो कभी विश्व स्तरीय नियुक्तियां हों इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको आप ज़रूर एक बार देख के जाया करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना, और अगर कोई भारतीय बन रहा है तो बिल्कुल ही पूरी संभावना बनती है। तो ये सब तरीका होता है पढ़ने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजराम बेगज किस देश के नवे राष्ट्रपति बने हैं। ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस हैं अल्बानिया के, इंडोनेशिया के, तुर्की के या उज्बेकिस्तान के। तो राइट आंसर इसका है अल्बानिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए किस नाम से एक अभियान चलाया। तो विन फॉर इंडिया अभियान, क्रिएट फॉर इंडिया अभियान या प्राउड फॉर इंडिया अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, यानी क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया। मतलब संयुक्त राष्ट्र में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया। ऑप्शंस हैं 2 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर या 1.75 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 2.5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके हैं मनोज मुकुंद नरवणे को, दलवीर सिंह सुहाग को, बिपिन रावत को या विक्रम सिंह को। तो इसका ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवणे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं देहरादून में, जयपुर में, नई दिल्ली में या पणजी में।
और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है उसका तो मतलब क्वेश्चन उससे पूछता ही है। अभी एसएससी में जब ये स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया गेम तो भी ये जो योजना है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन में आने एग्ज़ाम में आने की ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए यानी दिल्ली, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं आपके स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 162। 68वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं अजय देवगन को, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर, अजय देवगन को तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसरो ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन किया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई में, थुम्बा में, पुणे में या बेंगलुरु में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसरो ने बेंगलुरु में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? 15वें, 16वें, 17वें या 18वें। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी दिनेश गुणवर्धने 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएई ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हासन को, नागार्जुन को, रजनीकांत को या महेश बाबू को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कमल हासन को यूएई ने गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस तिथि से हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 13 से 15 अगस्त 2022, 1 से 15 अगस्त 2022, 5 से 15 अगस्त 2022 या 10 से 15 अगस्त 2022। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 13 से 15 अगस्त 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा को, उत्तराखंड को, मणिपुर को या महाराष्ट्र को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची 2022 में भारत 199 देशों में किस स्थान पर रहा? तो आपका यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो रहा है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपके 199 देशों ने भाग लिया है और इस 199 देशों में आपका भारत देश कहाँ पे था, 83, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी PSLV से व्यावसायिक आधार पर 1999 से 1 अगस्त 2022 तक 36 देशों को कितने विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देशों के, तो आपके ऑप्शन हैं 340, 336, 345 या 395। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी 345।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के पहले के अनुमान यानी 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं 7.2, 7 या 7.4 या 6.5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 7.2% कर दिया है। नेक्स्ट है FICCI यानी फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्व के अनुमान 7.4% से घटाकर कितना कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 7%, 7.2%, 7.3% या 6.5%। इसके पहले जो था वो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने बताया था, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये फिक्की ने बताया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका 7% यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या केरल। तो आपके ऑप्शंस में बी इज़ द राइट आंसर यानी कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है तो उसमें लिखा हुआ था किस नंबर के, सॉरी वो प्रधानमंत्री था, ये राष्ट्रपति है। तो श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपके ऑप्शन है दिनेश गुणवर्धने, रानिल विक्रम सिंघे, गोटाबाया राजपक्षे या इनमें से कोई नहीं। 173 का राइट आंसर है बी यानी रानिल विक्रम सिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब यहाँ दो चीज़ क्लियर हो रहा है, किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये किसको हरा के राष्ट्रपति बनी है, यशवंत सिन्हा, यानी विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, यशवंत सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं नरेंद्र बत्रा, जेना बोल्ड्रीज, आदिल सूरीवाला या सैफ अहमद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सैफ अहमद जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गोवा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश जो है ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। ऑप्शंस हैं तरुण, वरुण, इंडिया वन या पेरुलन। तो आपका इसमें बी इज़ द राइट आंसर, वरुण नाम से पहला यात्री ड्रोन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो आपके ऑप्शन है मैक्सिको, चीन, भारत या पाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यानी भारत जो है ये धन प्रेषण के मामले में पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल कौन से दो खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड के सेवन से दोषी पाए गए हैं। अब यहाँ देखिएगा तो प्रतिबंधित पदार्थ अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो ये स्टेरॉयड था जिसके कारण दो भारतीय खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनके ऑप्शंस हैं एस धनलक्ष्मी, ऐश्वर्य बाबू, हरमिंदर सिंह या एवं भी दोनों। तो नॉर्मल सी बात है, दो खिलाड़ी पूछ रहा है और ऑप्शंस में एवं भी दोनों है तो इसका मतलब एस धनलक्ष्मी और ऐश्वर्य बाबू, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, एस धनलक्ष्मी और ऐश्वर्य
बाबू, ये दोनों लोग जो हैं इन्हें बैन कर दिया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता 2002 में क्या बदलाव किया है? तो ऑप्शंस हैं, तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों का उपयोग करने की अनुमति है दे दी गई है, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शंस सी इज़ द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। यानी तिरंगा जो था पहले दिन में केवल फहराया जाता था, अब जो है तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है और मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों का उपयोग करने का की अनुमति दे दी गई है, पहले सिर्फ खादी का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? याद रखिएगा स्वनिर्भर नारी, तो आपके ऑप्शन हैं असम, मेघालय, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं कुवैत, ईरान, यूएई या बहरीन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कुवैत देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं नितिन गुप्ता को, विवेक जौहरी को, जयंती प्रसाद को या सौरभ गर्ग को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी जयंती प्रसाद को केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में कौन भारत के सबसे अमीर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शंस आपके हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी गौतम अडानी जो हैं अरबपतियों की सूची में चौथे, दुनिया के चौथे और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत प्रतिशत मालिकाना हक वाला भारत सरकार का पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या कोलकाता हल्दिया बंदरगाह या तूतीकोरन बंदरगाह? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है शत प्रतिशत मालिकाना हक वाला भारत सरकार का पहला बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित हुई? यानी ऑप्शन है आपके जर्मनी, मिस्र, जापान या एवं वी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी जर्मनी और मिस्र दोनों की अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ONGC की विदेशी निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस हैं BC पटनायक ने, SL त्रिपाठी ने, MR जायसवाल ने या राजर्षि गुप्ता ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजर्षि गुप्ता जो हैं वो OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड के MD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन मुंबई में हो गया है, वो थे पत्रकार, गजल गायक, खिलाड़ी या अभिनेता? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गजल गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आपके ऑप्शन हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या स्कॉटलैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, इंग्लैंड से खेलते थे बेन स्टोक्स जो कि ODI से संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम के महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता?
ऑप्शन हैं भावना पटेल, चारू लक्ष्मी, मीरा चारू या हर्षदा गरुड़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, हर्षदा गरुड़ जो हैं वो 45 किलोग्राम के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल कौन है, जय शाह, हेमांग अमीन, रमेश पवार या विनीत सरन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, विनीत सरन जो है बीसीसीआई के आचरण अधिकारी और लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया है। ऑप्शंस हैं स्प्रिट चैलेंज, डिफेंस चैलेंज, स्मार्ट नेवी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, स्प्रिट चैलेंज चैलेंज जो है वो बढ़ावा देने के लिए परियोजना का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने में कौन सा राज्य अव्वल यानी प्रथम है। तो आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही है यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ऑप्शन हैं आपके 18 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या 22 जुलाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के MD एंड CEO कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं आशीष कुमार चौहान, SS मुंद्रा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी या विक्रमजीत साहनी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, आशीष कुमार चौहान जो है वो NSE के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छा देशों की सूची में भारत 52 देशों में किस स्थान पर रहा, 50वें, 36वें, 26वें या 5वें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 36वें स्थान पर रहा 52 देशों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रणाली को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। आपके ऑप्शंस हैं अतुल दिनकर राणे, अजय कुमार सूद, डॉक्टर एस राजू या डी संजय अग्रवाल। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी संजय अग्रवाल को समिति अध्यक्ष, एक समिति का जो गठन किया गया है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, रायपुर या नई दिल्ली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट, PB सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी वांग जी यी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन हैं चीन के, सिंगापुर के, जापान के या इंडोनेशिया के। अब ये नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये किस देश की लग रही हैं, तो ये चाइना इज़ द राइट आंसर यानी ए ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मलयालम के किस फिल्म निर्माता को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं एन गोपीनाथन, PK सुंदरम, KP कुमारन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है KP कुमारन को यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे वीडियोस आप अगर इस पर लाइक करते हैं और आप इसको वॉच करते हैं तो ये वीडियोस आते रहेंगे और जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। वैसे सारे एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं लेकिन मेन फोकस हमारा SSC के लिए है और अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन SSC स्टेनो के लिए
जो आपका नवंबर में एग्जाम है उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, आप चाहेंगे तो सेम क्वेश्चन या रिपीट क्वेश्चन जो भी आप कहेंगे ऐसे ही आते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।